हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखो वरु की आंखें, और वरु का पूरा मन है केक काटने का, लेकिन डांस की तरफ इसका मन ज़्यादा रहता है, जैसे आप जानते ही हो। तो डांस इसको थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, म्यूजिक स्टार्ट हुआ, इसका डांस स्टार्ट हो गया। हम उसे थोड़ा शूट तो कर ही लेते हैं। उसके बाद थोड़ी केक सेरेमनी हुई, ये मेरे बुआ जी, फूफा जी, और प्लस मेरा भाई और मेरी भाभी और आयांश बीच में केक काट रहा था, और ये फूफा जी और बुआ जी की पूरी फैमिली है, ये आप देख। और अब हम निकलते हैं भैया के पास, छोटू महाराज। ये मैं हूँ, शक्ल देख लो आप। ये मेरा भाई है, छोटा मौसी का लड़का। ये मेरी भतीजी है, और ये पीछे आप जानते ही हो, वरुण एंड फैमिली। और ये है एलिस। उसके बाद ये मम्मी और पूरी फैमिली की छोटी सी हमने वॉक कराई छोटू महाराज के लिए, और छोटू महाराज पहुँचे हम। ये देखिए छोटू महाराज का बड़ा सा बोर्ड लगा है हाईवे के ऊपर, और फिर हमने लिया एंट्री अंदर। और अंदर के बाद ये हमारा रेस्टोरेंट है, ये टिकट काउंटर है, और यहाँ पे हमने सिनेमा के अंदर जाके थोड़ा सा व्यू लिया, बड़ा अच्छा लगा हमें। आप आइए, सेवा का मौका ज़रूर दीजिए। ये पतंजलि योगपीठ के बिल्कुल सामने है छोटू महाराज सिनेमा एंड कैफ़े रेस्टोरेंट, और ये है अपना रेस्टोरेंट जहाँ पे बैठकर आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। और ये हमने थोड़ा सा शूट करने की कोशिश करी, इसका इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा है, आप आएँ ज़रूर। और एक और ये बच्चों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पॉपकॉर्न अपने स्टार्ट कर दिए खाने इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर ही। फिर हमने थोड़ा बाहर से देखने की कोशिश करी, ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा भी दिखता है, बाहर भी बैठ के आप अपना रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं। बाहर बैठने के बाद भी आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। ये मेरे बड़े भैया हैं, और कुछ साथ में हम दोनों भाइयों के पल। फिर हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।